वर्षा धोईदेला भारत पाक मुकाबला पॉइंट भाग कले दुई टीम एशिया कप रे भारत पाकिस्तान मैच वर्षा जो बातिल होइतला पाकिस्तान आगे 267 रन टार्गेट रखिता भारत वर्षा पाई आरंभ हो पारिनथिला द्वितीय इनिंग्स मैच बातिल जो उभय दल को एक पॉइंट लेखाए मिली पाकिस्तान दल तीन पॉइंट सहित सुपर फोर पर योग्यता अर्जन करी भारतीय दल पर शेष ग्रुप मैच रे नेपाल विपक्ष में जितना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अधिक आलोचना करने संपर्क में आलोचना पर आम सहित क्रिकेट कोच खिरोद बेहरा जोड़े होती तो बेहरा स्वागत करी आपको आलोचना को गोटे हाई वोल्टेज मैच खाली देखा मिली था अनेक एक्साइटेड थे समस्ते कि वर्षा बाधक साजिश मैच द्वितीय इनिंग्स आरंभ हो पार देखो तो गत काली मैच आरंभ हवा पूर्व पूर्वानुमान मैच वर्षा बाधक एवं जहाँ पाग विशेषज्ञ जहाँ रिपोर्ट था से अनुसार पुणी थे वर्षा है मैच आरंभ वर्षा होता किंतु जेहेतु से पड़िया ग्राउंड कवर थी प्रथम इनिंग खेल हो पार्ला कि द्वितीय खेल हो पार ना तेणु पॉइंट सेयार कर भारत आज्ञा वर्षा निहाती भाव में पाकिस्तान दल को सुहाई कथा कही पारे कि सुत बेहरा सेमती केमती कही पार आम बोर्ड रे 266 रन रोटे लक्ष्य रखी थे सेटा गोटे एक दिवसीय क्रिकेट रे सेमती गोटे बड़ टोटाल नुह निश्चित भाव में मैच भल होता किंतु वर्षा जो बड़े उभय दल पॉइंट शेयर कर किंतु गत काली मैच रे पाकिस्तान बोलर खास कर साइन आफ्रेदी प्रभावी प्रदर्शन रही जमती कि मान मात्र दस ओवर मात्र 35 रन कर चार विकेट तो अपर पार्श्व में भारत दल सब बड़ कथा था ईशान किशन भल प्रदर्शन करते हार्दिक पांड्या तेणु मध्यक्रम बैटिंग जोड़ा नहीं कि आम द्वंद्वर रही मध्यक्रम बैटिंग आम भल ना से आशंका खाली केतकांश दूरीभूत होता बिल्कुल सुतबेरा टॉप ऑर्डर कर फेल्योर एवं मिडिल ऑर्डर कर चमत्कार बैटिंग निहाती भाव भारत को गोटे सम्मानजनक स्कोर रे पहुंचे पारिला निश्चित भाव रे टॉस जिने बैटिंग करिवा आम पई बुमेरांग साबस्त होइतिला कारण काली जो बड़े कंडीशन थिला इनिशियली हमें बैटिंग करले पूर्ण तापरे वर्षा जो बंद होला तेनो जो होनार खेल भितरे प्रारंभिक बैटिंग विपर्जय होइतिला एवं सेति पई मु निश्चित भाव रे श्रेय देबी पाकिस्तान बोलर मानुकु बेस भल बोलिंग करते भल जगार बोलिंग करते से जगार भल नियंत्रण से स्विंग करते साइन आफ्रेदी और मारिस कप से हिमान सफलतार मूल मंत्र आज्ञा धन्यवाद आपण को सुत क्षीरोद बेहरा क्रिकेट कोच आम सहित सविशेष आलोचन जोड़ी होते हैं।